गाइस एंड वेलकम टू यू ऑल। तो आपको आज के थंबनेल से आइडिया मिल गया होगा कि आज हम करने क्या वाले हैं डिस्कस। आज हम करने वाले हैं डिस्कस बिटवीन प्रैक्टिकल डेमो ऑफ इनहेरिटेड क्लास एडिंग प्रॉपर्टीज़। ओके, आज हम प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे अपने इनहेरिटेड क्लास में। कैसे करेंगे इसको देखने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो मैं आपको बता दूँ पहले स्टार्टिंग में ही, आपको ये एक वीडियो देखने से पहले ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट समझ लो, क्लास कैसे क्रिएट करनी है, ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करना है, देन आपको बेस क्लास कैसे क्रिएट करनी है, इनहेरिटेंस किस तरीके से परफॉर्म करना है, बिकॉज उसी के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएगा क्योंकि ये उसी का वर्जन है, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। सो अभी मैं आपको समझा दूँ पहले इन चीज़ों को। देखो यहाँ पे मेरे पास वही फाइल ओपन है जिसमें मैंने लास्टली वर्क किया था, आप भी उसी फाइल में ओपन कर लेना ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी समझ में आ जाए। एंड एक और चीज़, आप जब भी कोडिंग करते हो तो उसमें मेक श्योर आप कमेंट्स ज़रूर ऐड कर देना ताकि आप दोबारा कोड ओपन करो तो आपको उन कमेंट्स से आइडिया मिल जाए कि अगर आपने ये लाइन ऑफ कोड लिखा है तो इसका बेसिकली यूज़ है क्या। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन नंबर 1 में मैंने लिखा है क्रिएटिंग बेस क्लास, तो मैंने फाइल ओपन की मुझे पता चलेगा कि यहाँ मैंने यहाँ पे बेस क्लास को मैंने क्रिएट किया था। देन मैंने 8th लाइन में लिखा है क्रिएटिंग एंड इनहेरिटिंग डिराइव्ड क्लास, मीन्स मुझे आइडिया मिल गया कि मैंने यहाँ पे डिराइव और बेस क्लास को ड्राइव क्लास को इनहेरिट किया है और क्रिएट किया है। सो आपको भी कुछ ऐसे ही स्मार्टली वर्क करना है ताकि अगर आप या कोई दूसरा पर्सन अगर आपकी फाइल देखे तो आप उनको समझा सको और ख़ुद भी समझ में आ सके आपको। तो ये कुछ शॉर्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी चाहिए। ओके, सो डोंट पैनिक, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं समझाने वाले हैं, नहीं पढ़ने वाले हैं आज हम बहुत ईजी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट है ये। सो कीप लर्निंग पाइथन विद गोबिट्री एंड वॉच द होल वीडियो। ओके, सो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल्स किए हैं वो ऑलरेडी हमने थ्योरेटिकल वीडियोस में देखे हुए हैं, हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हैं हमेशा की तरह प्रैक्टिकली में, तो हम वही करेंगे आज भी। ठीक है, तो क्लास हमारे पास बेस है स्कूल एंड द इनहेरिटेड क्लास है स्टूडेंट, जिसमें कि हमने स्कूल को ऑलरेडी इनहेरिट कर दिया है एंड देन हमने यहाँ पे सुपर फंक्शन भी इसको यूज़ किया है। देखो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस ऐसे ही हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको सुपर फंक्शन के बारे में नहीं पता हमने क्यों यूज़ किया है, क्या यूज़ है, क्यों होता है यूज़, तो आप पिछले वाले वीडियो जाकर ज़रूर देखना, आपको वहाँ इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो जैसे कि आज हम ऐड करने वाले हैं प्रॉपर्टी, मेरे पास अभी यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ, नेम एंड एज, मीन्स दो एट्रीब्यूट्स हैं नेम एंड एज। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कंप्लीशन ईयर भी आ जाए, मीन्स कोई पर्सन कब स्कूल कंप्लीट कर रहा है या कब कॉलेज कंप्लीट कर रहा है, इट मीन्स इट का कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, उसका ईयर भी मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अपने इस कोड में कुछ छोटा सा चेंज करूँगी, सिर्फ वन लाइन लिखूँगी एंड वन वर्ड और मेरे यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो समझने के लिए वीडियो ज़रूर देखना है एंड तक। देखो आपको जैसे कि पता होगा कि मैंने यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था नेम एंड एज नाम का, जब मैंने प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट क्रिएट किया था तो हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज यूज़ किया था लाइक। तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज लिखने के बजाय हम लिखेंगे सेल्फ डॉट कम्प्लीशन ईयर, क्योंकि हमारा कम्प्लीशन ईयर हमारा नेक्स्ट वो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट कम्प्लीशन ईयर। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेल्फ, एंड याद रहे कि आपको सुपर के बाद लिखना है क्योंकि हमारे पास क्लास हमारी डिराइव यहीं पे हो रही है लाइन नंबर 9 से, तो हमारी यहीं पे लिखनी होगी अपनी ये वाली, क्योंकि हम क्लास नंबर 9 से ही कॉल करेंगे अपनी फंक्शंस को। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ डॉट कम्प्लीशन, मैं कम्प्लीशन लिखूँगी यहाँ पे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया है, अब मैं इतना जो आपको विजिबल है, मैंने एक लाइन लिखी है बट मैं इसे रन करूँगी पहले। सो आपको विजिबल है यहाँ पे ऋषि 28 लिखा हुआ रहा है। अभी हमने एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लिया, आपको होगा कि तीसरे कंप्लीशन ईयर तो आई नहीं प्रिंट होगी, क्यों नहीं आई भाई, समझने की कोशिश करना, लॉजिक लगाओ थोड़ा। मेरे पास यहाँ पे ऋषि 28 के सिवाय 2019 क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने उसे प्रिंट ही नहीं कराया। कैसे नहीं कराया, देखो जब मैंने यहाँ पे एक्स ऋषि 28 लिखा है तो मैंने यहाँ पे 28 के बाद मुझे एक और वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी 2019, तब तो आएगा प्रिंट होके, नहीं आएगा ना ऐसे, तो मेरे पास प्रिंट होके आया ही नहीं। अब मैं करूँगी इसको रन तो देखना मेरे पास तुरंत आ जाएगा आउटपुट रन होके, सो सी आ गया। तो हमें यही बेसिक छोटा सा चेंज करना, जैसे मैंने कहा था ना वन लाइन वन वर्ड, हमारा हो गया एट्रीब्यूट ऐड
प्रॉपर्टी ऐड हो गई। सो कुछ इस तरीके से हमने किया प्रॉपर्टी को ऐड अपने इनहेरिटेड क्लास में। ओके तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड योर डाउट्स। अपने डाउट्स के लिए आप ऑलवेज इन्वाइटेड हो, कभी भी किसी भी टाइम कमेंट करके मुझे बता देना अपने डाउट्स को, मैं तो यहाँ पे हूँ ही आपकी हेल्प के लिए। सो कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट हो ना किसी पॉइंट पर भी तो मुझे प्लीज़ बता दिया करो ताकि मैं वहीं पर आपकी हेल्प कर सकूँ। एंड एक और चीज़, अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं एंड काफ़ी वीडियोज़ हैं हमारे उप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए पूरा वीडियोज़ का ट्यून रहना गोवेज ट्रेंड के साथ ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें एंड जो वीडियोज़ लेके आती रहूँ आपके लिए। ठीक है एंड सो कीप लर्निंग पाइथन विद गोवेज ट्रेंड। एंड एक और चीज़, अभी मैंने लास्टली एक क्विज ऑर्गेनाइज किया था आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों ने किया हो अटेम्प्ट। कुछ लोगों ने किया है, मैंने देखी उनके रिस्पॉन्सेज, काफ़ी हद तक सही थे रिस्पॉन्सेज एंड जिनके रिस्पॉन्सेज ठीक नहीं थे सो डोंट पैनिक एंड डोंट वरी अबाउट दैट। वो सिर्फ आपके अपने टेस्ट के लिए था, इट्स नॉट लाइक एन एग्ज़ाम, अपने टेस्ट के लिए था, अपनी नॉलेज चेक करने के लिए था। सो जितना है आपके नॉलेज उतना ठीक है, अदरवाइज आप उसे इन्हांस करने की कोशिश करो, वीडियो देखो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप यहीं से देखो, अगर आपको यहाँ का टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा आप कहीं और जाके सर्च करो, समझो, कोशिश करो, डाउट्स हो तो मुझसे पूछो। ठीक है बट करो, डोंट थिंक कि यार नहीं होगा, आई विल जस्ट स्किपिंग, आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट इट एनी मोर, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट बी पॉजिटिव एंड लर्न। ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, कीप लर्निंग पाइथन विद कोविड ट्रेंड। एंड वन मोर थिंग, इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, बी सेफ बी हैप्पी। We'll be right back.